तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम रिव्यू करने लगे हैं पापा की साइकिल का। ये एक हाइब्रिड साइकिल है। आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे ये कितने की आती है सेकंड हैंड और कितने की न्यू आती है, और कहां से अगर आपने लेनी है तो आप कहां से लेंगे और कहां से सेकंड हैंड लेंगे। तो गाइस आज हम इनके सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे और इसके प्राइस के बारे में बताएंगे और ये कब कब कितने किलोमीटर चलती है आप बताएंगे, और मेरे पापा कब चलाते हैं इसको। तो हम इसी वीडियो में बताएंगे कि मेरे पापा ने मैक्सिमम कितनी किलोमीटर चलाई है, और ये अंडरपास की जब नहर में अंडरपास आता है उसमें कितना जोर मोटर लगाती है फिर डायरेक्ट चलती है, सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। चले आए साइकिल का रिव्यू करते हैं। तो ये इसका टायर है, ये आम साइकिलों वाला टायर नहीं है, ये बहुत बारीक है। और मजे की बात यह है कि इसके अंदर पापा साइकिल की धूप लगती है, और ये देख सकते हैं इसके अंदर ये गराड़ियों का सेट है, चैन गराड़ी का। ये तकरीबन 1 लाख तक मिलता है। अगर आप लोग ऊंचाई पर जाना चाहते हैं या अंडर पास से जाना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये इसका ये चेन जा रही है, और वहाँ पर आगे साइड पर भी 3 है, और यहाँ पर ये ब्रेक की तार जा रही है। और मज़े की बात इसकी ये है, ये देख सकते हैं आप ये हैंडल छोटा सा, अगर हम इसको खोलते हैं तो ये टायर अलग हो जाता है। और यहाँ पर ये ब्रेक की तार इसके अंदर लगती है, अभी ये खुली हुई है। और यहाँ पर ये पैडल आ गया है, और यहाँ पर इसके नट्स वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पर हम पानी की बोतल रख सकते हैं, और ये इसकी सीट आ गई है, यहाँ से हम खोल के सीट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अब ये देख सकते हैं इसकी वायर जा रही है। तो आप लोगों को मज़े की बात बताता हूँ कि ये जो इसका सारा फ्रेम है ये लोहे का नहीं है, ये कार्बन का है, जिस वजह से साइकिल काफ़ी महंगी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैंडल है, और यहाँ पर ये वायर जा रही है, और यहाँ पर आगे की ब्रेक है, और यहाँ पर एक पीछे की ब्रेक है। और अभी इसका हैंडल आ गया है, यहाँ पर हम यहाँ से गेट डाल सकते हैं और यहाँ से पकड़ में इसे चला सकते हैं। और ये 2 ब्रेक्स हैं, और ये इसकी ब्रेक्स की वायर जा रही है, और यहाँ से ये घूम भी सकती है। इसके काफ़ी पार्ट अलग हो जाते हैं। इसको मेरे पापा हर वीक वॉश करते हैं, और इसका अगला टायर भी अलग हो जाता है और पिछला हो जाता है, और ये बड़ी आसानी से अलग हो जाता है। इसके लिए कोई हथियार ना भी हो तो हम सिर्फ इसको खोलने से टायर अलग हो जाता है। ये इस तरह खोलेंगे इसको तो टायर अलग हो जाएगा। और ये इसका स्टैंड है, ये स्टैंड पहले लगा होता है, ये हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इधर से ऊपर होता है और इधर से नीचे होता है। तो आप लोगों को बताएंगे कि पापा कसूर गए हैं, छंगा मंगा गए हैं, और भी काफ़ी जगह पर गए हैं, शेखरपुरा जैसी जगह पर गए हैं, और उससे आगे भी गुजरांवाला भी गए हैं, और गुजरांवाला से आगे भी गए हुए हैं। तो पापा की एक दिन की राइड 201 किलोमीटर है। तो मज़े ये बताता हूँ आपको, अगर आप यहाँ छोकर जाते हैं लाहौर से तो 8 से 10 अंडर पास आते हैं। दूसरी साइकिल वाले चलाते हैं दूसरी साइकिल, तो उसमें हम जब अंडर पास से गुजरते हैं हमारा सांस फूलने लग पड़ता है। इसकी खासियत ये है आप बगैर पाले हमारे अंडर पास क्रॉस कर सकते हैं। तो आखिर में आपके लिए बताऊँगा कि आपने इसकी सेफ्टी में पूरी किट पहननी है, हेलमेट पहनना है, उसे पंचर का सामान रखना है, क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हैं रास्ते में किसी से या किसी चीज़ से पंचर हो जाए ताकि वो सामान गलत हो जाए।